was class top, I think, 2 or 3 students in our class joined किए थे. मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लेक्चर को अर्ली देखो, और लेक्चर देखने के बाद यदि कुछ पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप और उसको डाउट सेशन में आप क्लियर करो, सो दैट आगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी. देखो कल आप प्रॉब्लम देख रहे थे, प्रॉब्लम आई मैं फेल से रिलेटेड हम देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी थिन रॉड है जिसमें मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करें. तो उसको हम दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था. एक पार्ट क्या था कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए थिन रॉड एट एनी पॉइंट अलोंग द, क्या होगा, अलोंग द रॉड. रॉड भी नहीं आई है, पॉइंट रॉड से बाहर है लेकिन रॉड भी अलोंग है, तो उसको मैंने बताया था, उसका रिजल्ट भी देना. दूसरा इसमें जो टाइम का प्रॉब्लम पूछा जाता है वही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू थिन रॉड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर. ये कोई परपेंडिकुलर लाइन है, इस पे आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो मैंने बताया था कि क्या दिस इज नथिंग बट लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आपको क्या करना है, जो बेसिक डेफिनेशन है उसी को यूज करके आपको फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेट करके या समेशन सिग्मा यूज करना है. तो इसको भी क्या करना है, इसके द्वारा फील्ड कैलकुलेट करने के लिए देखो, एक पर्टिकुलर जो लाइन है हमने वहां से y डिस्टेंस पे एक डिवाइस एलिमेंट कंसीडर किया था, और डिवाइस एलिमेंट कंसीडर करके जिसका मास क्या है dm, तो dm के द्वारा हमने यहां फील्ड लिखा, उसको मैंने माना dEB. ठीक है, अब देखो dEB के दो कंपोनेंट होगा, dEB पैरेलल. पैरेलल का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट b पैरेलल से क्या होगा. ठीक है, तो इसको देखो ये वाला इनका थीटा है और फील्ड कैसे है, ऐसे है इसका कंपोनेंट क्या होता है, dEB sin थीटा, और dEB परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, इसको मैंने लिखा dEB. और dEB आप ध्यान से देखोगे तो dEB के लिए आप लिख सकते हो, इसको देखो ऐसे सोच सकते हो आप, यहाँ कोई मास है, यहाँ कोई मास रखा गया है dm. ठीक है, जिसका ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज dm स्क्वायर प्लस क्या है, y स्क्वायर, dm स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. और यहाँ आपको क्या करना है, फिर लिखना है, तो सिंपल एक पॉइंट मास वाला फॉर्मूला आप आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. वही मैंने क्या किया है, उस रिजल्ट को यूज करके हमने यहाँ, अब देखो dm क्या है, dm आप कैलकुलेट कर सकते हो. लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यूनिट लेंथ का मास दिया हुआ है तो आपको dy लेंथ का मास कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा से क्या करते हो, लैम्डा ही करते हो, तो हमने dm लिखा. फिर dp के dp इक्वल टू g लैम्डा dy y स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर हमने लिखा. y के जगह देखो ध्यान से, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y / d, तो हमने y b tan थीटा यूज किया. देखो मुझे क्या करना है, लीनियर क्वांटिटी को मुझे एंगुलर क्वांटिटी में क्या है कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कैलकुलेट करना है जो अल्फा और बीटा के टर्म में, इसलिए मैं dy को d थीटा के टर्म में लिख रहा हूं. तो यहां मैंने लिखा dy / d थीटा इक्वल टू d sec स्क्वायर थीटा, ये आपको मालूम है dy इक्वल टू हमने लिख दिया d sec स्क्वायर थीटा d थीटा. अब dy की जगह देखो यहां से इसको हम एक इक्वेशन, इस इक्वेशन में dy की जगह हमने वैल्यू रखा, dEB इक्वल टू क्या होगा, g लैम्डा d थीटा अपॉन d. अब आपको पर्टिकुलर कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, ये क्या होता है dEB cos थीटा, जैसे कि मैंने यहां बताया, तो dEB का वैल्यू हमने यहां से रखा ये वाला, ये क्या होता है देखो g लैम्डा d cos थीटा d थीटा. अब नेट फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, क्योंकि इसके द्वारा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा आपको क्या होगा, इधर ही होगा, इसलिए हम यहां क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से आपको जब लोअर लिमिट लिखोगे, देखो जो एंगल हम कंसिडर किए हैं, हमने मान लिया कि ये वाला एंगल पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ जो एंगल हमने कंसिडर किया है वो नॉर्मल के साथ किया है, ठीक है, तो बीटा पॉजिटिव होगा, अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, माइनस अल्फा क्योंकि बीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, sin थीटा, तो g लैम्डा अपॉन d sin थीटा लोअर लिमिट माइनस अल्फा टू बीटा, और उसके बाद साइन थीटा की जगह आप एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, देखो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया साइन ऑफ अपर प्लस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा. इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है. तो
पर्टिकुलर कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फील्ड का भी पॉइंट पे क्या होगा जी लैम्डा बाय डी इनटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी, पर्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होगा कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू द रॉड शो होगा क्या होगा जी लैम्डा बाय डी इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, सिमिलरली यदि मुझे y कंपोनेंट निकालना है तो क्या करना है dEP sin θ, यानी y कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हमने क्या लिखा dEP sin θ, तो हमें डायरेक्ट लिख दिया है तो dEP sin θ जब EP कैलकुलेट की पैरेलल कैलकुलेट करोगे तो इसको इंटीग्रेट करोगे यहां लोअर लिमिट क्या होगा माइनस अल्फा और अपर लिमिट क्या हो जाएगा बीटा। sin θ डेरिवेशन बेटा ध्यान रखना है क्या होता है माइनस cos होता है तो sin θ का डेरिवेशन क्या होगा माइनस cos θ, यहां मैंने लिखा माइनस ई लैम्डा अपॉन टी कॉस थीटा लोअर लिमिट माइनस अल्फा, यहां मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो इसको जब अरेंज करोगे तो जी लैम्डा और ओमेगा इनटू क्या होगा कॉस अल्फा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये दो रिजल्ट आपको मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि रॉड को किसी भी तरह रखा जा सकता है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर सोच करके आप रिजल्ट याद रखोगे तो ज्यादा क्या होगा इजी होगा समझने। तो बेटा देखो दो रिजल्ट मिला है, क्या मिला एक तो रॉड में परपेंडिकुलर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या होगा जी लैम्डा बाय डी इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सॉरी साइन जी लैम्डा बाय डी इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा जी लैम्डा बाय डी इनटू क्या होगा कॉस अल्फा माइनस क्या हो जाएगा कॉस बीटा। ये दो आपको रिजल्ट आपको क्या करना है याद रखना होगा तभी आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं तो सेम रिजल्ट आपको एक्यू स्टेट में मिलेगा बेटा, सेम रिजल्ट केवल जी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा लैम्डा यहां सरफेस एरिया मास डेंसिटी है वहां क्या हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट फॉर लिखता हूं और फिर इसमें कुछ केसेस देखते हैं कि केसेस क्या-क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी ये बता दूं कि मैं आप ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट ये थ्री रॉड है इसी को तुमको याद रखना है ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ये कोई पॉइंट बी है तो इस पे लीनियर मास डेंसिटी क्या है लैम्डा है लीनियर इनसे लिख देता हूं मास डेंसिटी आई मीन ये क्या हो जाएगा मास अपॉन लेंथ। ठीक है, ये तो यहां बी पॉइंट पे। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिखा था इधर जो फील्ड होगा ये मान लें इसको मैंने क्या लिखा है EP परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा G लैम्डा बाय D। ठीक है, साइन अल्फा प्लस क्या होगा साइन अलवेज ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा टुवर्ड्स द क्या हो जाएगा रॉड। पैरेलल कंपोनेंट ये देखो ये ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है क्योंकि ये आपको मालूम है इंडिकेट करेगा कि हमने जो रिजल्ट लिखा है उसमें हमने माना है कि ऊपर जो रेड फील्ड है वो क्या ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू डाउन अपोर्स आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला हमने ये मान लिया ये कौन सा कंपोनेंट हो गया ई पी पैरेलल। ठीक है, और दिस विल बी क्या होगा जी लैम्डा बाय डी इनटू क्या हो जाएगा साइन सॉरी साइन है कॉस ऑफ अल्फा माइनस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ। ठीक है, अल्फा बीटा फिर से देख लो ये रिजल्ट केवल तुम याद रखना कि प्रॉब्लम ये क्या हो जाएगा दिस विल बी क्या हो जाएगा बीटा और दिस इज क्या होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कई केसेस होते हैं, अब देखो केस हम कंसीडर कर रहे हैं केस फॉर फर्स्ट आई मीन नोट में लिख रहा हूं की पॉइंट जो है वो उसको मैं फर्स्ट पॉइंट क्या है गिवन व्हेन rod is infinitely long का मतलब क्या होगा। ठीक है, कि alpha equal to beta देखो ध्यान से alpha equal to beta equal to क्या हो जाएगा pi by 2। ठीक है, अब pi by 2 हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा a इधर प्लस इंफिनिटी हो गया और इधर क्या हो गया माइनस इंफिनिटी और ये कोई पॉइंट भी है। ठीक है, इस केस में जब आप देखो ई पैरेलल के ऊपर पर्टिकुलर लिखेंगे ई
पैरेलल इक्वल टू क्या होता है देखो लैम्डा जी और डी इनटू क्या होगा cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस cos ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी आएगा मीन ई पैरेलल जो दिया हुआ है क्या हो गया ठीक है इससे ये मालूम चल रहा है कि क्या होगा कि यदि रॉड क्या होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग हो ठीक है और पॉइंट ई पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है तो ये अंडरस्टूड है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो नेट किधर होगा टुवर्ड्स द रॉड होगा और एक केबल क्या हो जाएगा ई पर कनेक्ट होगा ठीक है ये किया समझ में आई बात अब ई परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा ये आप देख सकते हो यहाँ से देखो क्या होगा यही जाने रिटर्न केवल तुमको क्या करना है यहाँ पर बस दो ही जाने ई परपेंडिकुलर यहाँ से क्या मिलेगा तुमको ई परपेंडिकुलर ई ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू क्या होगा आई थिंक टू आई मीन जी लैम्डा बाय डी ठीक है साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन ऑफ ठीक है ये कितना हो जाएगा e परपेंडिकुलर इज इक्वल टू g लैम्डा बाय क्या हो जाएगा तो इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा और उसके लिए क्या होगा जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा ठीक है या अगर आप भी आप यदि लॉन्ग करोगे तो आप बोल सकते हो कि देखो e के साथ जो ग्राफ होगा आई मीन e एंड d ठीक है और वर्सेस डी के आप जब ड्रॉ करोगे उससे क्या मिलेगा आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ठीक है आई मीन जैसे जैसे डी से आई मीन इस रॉड से अवे जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो क्या होगा डिक्रीज होगा देखो यार मैं जो लिख रहा हूँ समझ में आया तो इसलिए यहाँ आप लिख सकते हैं कि ई पी परपेंडिकुलर इज डायरेक्टली क्या होगा ठीक है तो याद रखना है कि जो रॉड क्या होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा इसका मतलब क्या होगा अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 2 हो जाएगा उस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड पी पॉइंट पे केबल क्या होगा रॉड के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और टुवर्ड्स द क्या होगा रॉड होगा देखो टुवर्ड्स द रॉड वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि रॉड के तरफ होगा ठीक है आगे याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है चार्ज सॉरी मास या पार्टिकल के टुवर्ड्स होगा ठीक है तो बेटा यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कितना यदि फाइनेंटली लॉन्ग रॉड हो और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी आपको क्या करना है फील्ड लिखना है तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे 2g लैम्डा अपॉन क्या होगा डी ये बात समझ में आया दूसरा इसमें जो पॉइंट है एक तो हमने केस पढ़ लिया दूसरा जो केस होगा वो क्या होगा उसको देखते हैं ठीक है कि रॉड क्या होगा डिफरेंस Rod is semi-infinite. Semi-infinite का मतलब है दोनों draw कर लेते हैं एक तो ये हो सकता है एक point भी है ठीक है यहाँ से कितने distance पे है d distance पे है और इधर plus infinity हो गया ये semi-infinite भी जाएगा यहाँ ये भी हो सकता है देखो ध्यान से ऐसे भी केस हो सकता है कि ये पॉइंट बी है ये माइनस इनफिनिटी हो गया ठीक है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है डी दिया हुआ है इस पे लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इस पे लीनियर मास डेंसिटी अब ध्यान से देखना यहाँ क्या होगा कि भी देखो यहाँ इधर क्या है छाटा मास तो अब जो वाई कॉम्पोनेंट आई मीन वाई कॉम्पोनेंट जो होगा क्या होगा यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ दोनों कॉम्पोनेंट क्या होगा ई बी क्या हो जाएगा पैरेलल और यहाँ क्या हो जाएगा EB तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कोई पूछेगा तो क्या बताओगे इधर ही इधर बात बेटा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा EB नेट ठीक है कैलकुलेट करते हैं आप इसको भी कैसे कैलकुलेट करें आप भी कैलकुलेट कर सकते हो इस रिजल्ट को याद रखना इस केस में अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2 ठीक है यहाँ देखो यहाँ EB किधर होगा EB परपेंडिकुलर किधर होगा EP perpendicular इधर होगा और EP parallel किधर होगा काम दो ना तो net जो field होगा वो किधर होगा यही क्या हो जाएगा आपका net तो depend करता है यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो आपसे कोई पूछे कि बने आपसे यदि ये मान लो कि ये क्या है
थीटा है रिजल्टेंट, तो यहाँ से टैन थीटा भी लिख सकते हो, यहाँ से भी हम यदि इसको थीटा मान लें तो कि रिजल्टेंट जो है वो कितने डिग्री पे है भी लिख सकते हो, वो भी हम लिख सकते हैं। थीटा ये तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ नेट ग्रेविटेशनल फील्ड विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो वन बाय वन फिगर वन और फिगर टू में मैं लिख देता हूँ, ये आपको क्या कर रहा है ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको फिगर वन मान लेता हूँ, फिगर ए, दिस इज फिगर बी। फिगर ए से मैं लिख सकता हूँ, देखो फिगर ए, फिगर ए में क्या लिखा है, देखो अल्फा इक्वल टू जीरो, बीटा इक्वल टू क्या होगा पाई बाई टू, तो ईपी पैरेलल इक्वल टू क्या देखो लैम्डा जी अपॉन डी, देखो यहाँ से फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, कॉस जीरो माइनस कॉस, ये कितना हो जाएगा लैम्डा जी। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा बात समझ में आया, ये तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं ई बी परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा जी लैम्डा बाई डी, ठीक है साइन जीरो प्लस साइन पाई बाई, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू क्या होगा वन होगा, तो ई बी परपेंडिकुलर जो होगा क्या हो जाएगा जी लैम्डा बाई क्या। अब देखो ये दोनों कॉम्पोनेंट इक्वल है क्या, तो आप यहाँ से विदाउट एनी कैलकुलेशन बता सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। आपको ये मालूम है कि दो वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट जो होता है ऑलवेज एंगल बाईसेक्टर के अलोंग होता है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आया, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर क्या हो गया सेम हो गया, तो tan थीटा क्या लिखोगे यहाँ से, tan थीटा ई पैरेलल और क्या लिखोगे ई परपेंडिकुलर और tan थीटा इक्वल टू होता है, बात समझ में आया। ठीक है, यहाँ से हमने ई पैरेलल कैलकुलेट कर लिया और ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया, कोई डाउट नहीं है। यहाँ देखोगे फिगर सेकंड में ये समझ में आया क्या, देखो ये समझ में आया, मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ से देख सकते हो कि दोनों सेम हो गया, तो डायरेक्शन यहाँ कैसे लिखेंगे बताओ, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो ई बी पैरेलल अपॉन क्या लिखोगे ई बी परपेंडिकुलर, यही लिखोगे ना, यही होगा ना, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो। दूसरा जो फिगर है इसमें उसके लिए हम देख लें, देखो सेकंड फिगर, सेकंड फिगर के लिए क्या करोगे, फिगर सेकंड यानी फिगर बी, अल्फा इक्वल टू क्या है पाई बाई टू और बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू बीटा इक्वल टू जीरो, ऑलरेडी मैंने यहाँ साइन कंसीडर किया है इसलिए हम यहाँ साइन नहीं कंसीडर करें, ध्यान में रखो। ठीक है, देखो तो यहाँ ई बी पैरेलल अगेन क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला बताओ, देखो पैरेलल जी लैम्डा बाई डी इनटू कॉस ऑफ अल्फा पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो, वही कितना हो जाएगा माइनस जी लैम्डा बाई क्या हो जाएगा डी, सही है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि पैरेलल कंपोनेंट, देखो हमने ऊपर पॉजिटिव मान रहा है, यहाँ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कोर्स किधर होगा नीचे होगा। ठीक है, समझ में आया, सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो कि E परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा G लैम्डा बाय D इनटू क्या लिखोगे साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन ऑफ क्या होगा G, और ये क्या हो जाएगा G लैम्डा बाय। ठीक है, तो इस केस में जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे यही भी पॉइंट था, तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा क्या होगा एंगल बाईसेक्टर, ए रॉड है लीनियर कांस्टेंट से दिया हुआ है, ई पैरेलल ऐसे हो गया ई बी पैरेलल, ठीक है, और फिर क्या हो गया ई बी परपेंडिकुलर और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा। ठीक है, इस केस नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ, अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी पॉइंट इज इक्वल टू इफ यू नो मैं लिख देता हूं कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स और बेस को लिख लो यहां एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी मास इज इक्वल टू क्या होगा
पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशन जिस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहा है पहले उसके पॉइंट पे जहाँ है वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड लिखिए और फिर इनटू मास होगा क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड इस चीज क्या होगा ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है। तीसरा इसके बाद एक अगला जो पॉइंट है वो देखो सेकंड पॉइंट था ये ठीक है। थर्ड पॉइंट देखना वेल वेल क्या होगा रॉड इज फाइनाइट एंड पॉइंट ही लाइज ऑन इट्स एंगल बाइसेक्टर इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सादे क्वेश्चन सा हो जाएंगे केवल एक सौ पॉइंट ठीक है समझ में आया। आई मीन देखो क्या है तो यहां दैट इज क्या देखो कि दैट इज अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा यही हो जाएगा ना ठीक है। आई मीन ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ये फाइनाइट रॉड है मान लो इसका लेंथ क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है सही है लेंथ क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है और ये लेंथ इक्वल है ये जो डिस्टेंस है वो डी है ठीक है ये तो ये एंगल क्या होगा थीटा और बी एंगल क्या हो जाएगा ठीक है। इस केस में बी अगेन देखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो इधर होगा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अपने आप एवल करके चेक कर ठीक है चेक कर सकते हो। अब यहाँ इस केस में यदि हम लिखें क्या लिखेंगे ईपी देखो ध्यान से परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा जी लैम्डा बाय डी ठीक है साइन थीटा प्लस साइन थीटा ठीक है इक्वल टू जी लैम्डा बाय डी साइन थीटा इजी ये समझ में आया। और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आसानी से लिख सकते हो साइन थीटा क्या होगा बेटा बता रहे हैं आपसे साइन थीटा क्या होगा देखो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा l स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर यहां से sin थीटा भी लिख सकते हो था मैंने लिख रहा हूं sin थीटा इक्वल टू क्या होगा l बाय 2 ठीक है अपॉन क्या हो जाएगा l स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर इसको सिंपलीफाई कर देते हैं l अपॉन क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 4 यहां से sin थीटा निकल गया। e परपेंडिकुलर देखोगे यानी e पॉइंट तो ई सॉरी ई पैरेलल ई पैरेलल देखो तो जी लैम्डा बाय डी ठीक है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अगेन आपसे कोई पूछे कि यहां कोई मास रखा हुआ है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा तो फील्ड इनटू मास इज इक्वल टू क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें टाइम केस है ठीक है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल्स मैं देता हूं आप लोगों को देखो क्या करता है नेट फील्ड लिख रहा है नेट फील्ड लिखने के बाद क्या करता है वेक्टर का कांसेप्ट पूछ। अब यहां एक एग्जांपल दे दो इसको सॉल्व कर लेना ठीक है कि इनफिनिटी लॉ आ रहा है उसको किस सेट में बेंड किया ठीक है आई मीन एक प्लस हो गया और एक क्या हो जाएगा माइनस हो गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है इसमें भी लैम्डा है और इसमें भी क्या है समझ में आया। और इसकी एंगल बाइसेक्टर के कोई पॉइंट भी है इसका क्वाड्रेंट भी लिख देता हूं चलो लिख देता हूं डी का मान ठीक है। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। अब देखो ये दो सेमी इनफाइनाइट रॉड हो जाएगा समझ में आया इसके द्वारा अलग निकालना इसके द्वारा अलग निकालना और फिर वेक्टर की तरह क्या करना इसको ऐड करना ठीक है ये होमवर्क है इसको ट्राई करना। Find easy gravitational field at point B as shown in the figure. As shown in the figure. Figure में दिया हुआ है कि point क्या हो क्या करना समझ में आया
प्लॉट है इसका लीनियर मास डेंसिटी क्या है, लैम्डा इक्वल लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है। की पॉइंट पे आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है। इट से क्या है, इस रॉड के द्वारा अलग फील्ड निकाल दो, इस रॉड के द्वारा अलग निकाल दो, और वेक्टर की तरह क्या करना है आपको, पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे रिजल्व कर दो और फिर क्या करो, ऐड कर दो, तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, सेकंड आई मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन है। थर्ड आई मीन हम बोल सकते हैं इसको प्लीज थर्ड, ठीक है, जो भी लिख लेना कि फील्ड ड्यू टू बात। अब आप देख सकते हो कि
डायरेक्टली आप बोल सकते हो यहाँ से कि डी ई वन मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा डी डी वन डी टू, समझ रहे हो इस मास के द्वारा यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको डी ई टू मैंने मान लिया, इस मास के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको हमने डी ई वन मान लिया, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या देखोगे जी डी एम और क्या होगा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या यही होगा। देखो तो ये वाला जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो आप बोल सकते हैं कि ये डी वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा कि एल ओ एस के जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर देगा, केवल जो वाई सिमेट्री ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या पूरा होगा एल ओ एस के क्या होगा अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री के क्या होगा दूसरा कुछ नहीं है तो ऐसे फाइंड आउट करें जितने वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट लिख सकते हैं देखो डी ई, मैं यहां लिख रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है लिख रहा हूं यहाँ मैं लिख रहा हूँ D L O S equal to 2 ठीक है G 2 D M upon R square G cos theta। अब देखो 2 लिया हो अब मुझे क्या करना है E जो निकाला E at C लिखो उसको E at C तो E at C जो होगा क्या होगा G upon आर एस पर डी एम को क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन देखो लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा और यहां टू भी आओ इसलिए मैं 0 टू अल्फा बाय 2 लेगा, समझ में आया। यदि 2 नहीं लेगा तो माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2 लेगा, यहां से देखोगे इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 जी लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा आर, ठीक है कॉस इंटीग्रेशन कॉस थीटा d theta 0 to alpha by क्या होगा तो ec I mean gravitational field at the center is equal to क्या होगा 2 g lambda upon r क्या हो जाएगा देखो sin of alpha by क्या होगा। ये बहुत ही important result है आपको क्या करना चाहिए बेटा इसको याद रखना चाहिए। जब भी एक thin rod है ठीक है क्या होगा thin rod है उसको सर्कुलर आर के रूप में हमने बेंड कर दिया है और उसके सेंटर पे आपसे कुछ फील्ड पूछा जाए तो फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ से देख सकते हो कि 2 जी लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। आप सबसे पहले क्या करो देखो कि लीनियर मास डेंसिटी क्या है उसके बाद रेडियस क्या है और जो सर्कुलर आर क्या है वो कितना एंगल सबेंड कर रहा है, ठीक है भाई एंगल हमको क्या करना है यहाँ रखोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए जो सिनेरियो हम कर रहे हैं जो प्रोसेस यानी जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसीजर हम क्या फॉलो कर रहे हैं कि देखो यहाँ लीनियर मास डेंसिटी क्या है कॉन्स्टेंट है, यदि बाई मिस्टेक से लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल आ जाए तो आपको आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज फिर ये फॉर्मूला वहाँ काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला तभी हम यूज करेंगे याद रखना है बेटा कि लैम्डा क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए यानी मास होना चाहिए रॉड पे यूनिफॉर्मली क्या होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए देन ओनली वी कैन यूज दिस रिजल्ट अदरवाइज वी कांट यूज, ठीक है। तो अब इसमें सब केसेस क्या हो सकते हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि रिजल्ट क्या यही क्वेश्चन यही रिजल्ट जो होगा आपको इलेक्ट्रोस्टेट में मिलेगा फिर यही रिजल्ट मैं बताऊंगा जी के जगह कुछ और लिख दूंगा सेम रिजल्ट
अब इसमें नोट में मैं लिखता हूँ, अब इसमें तुम बताना कि क्या करना चाहिए। याद रखना है कि सर्कुलर आर्क के फॉर्म में हो तो ऑलवेज ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग होगा और टुवर्ड्स द क्या होगा, रिंग होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे देखो इस फॉर्म में आओ, इस फॉर्म में आओ तो आप मुझे बताओ ये डॉट डॉट मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके अगेन लीनियर मास डेंसिटी क्या डेल्टा है, तो देखो LOS क्या होगा, आप सब ये पूछ रहा है कि C पे फिट होगा, ठीक है। तो यहाँ आप पूछ सकते हो कि जो C पे फिट होगा इसी जो होगा वो किधर होगा, इधर होगा। और यहाँ देखो तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई क्या हो जाएगा, वहाँ वैल्यू रखो तो 2g लैम्डा अपॉन r साइन ऑफ क्या हो गया पाई बाई 4 और साइन ऑफ पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 1/√2। तो इसको लिख सकते हो 2g लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा। यदि मैं बोलूं कि नहीं यार मैंने इधर x एक्सिस मान लिया और इधर y एक्सिस मान लिया तो ऑफकोर्स ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 45 डिग्री होगा। E एंड C को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं EC, देखो EC cos 45 i कैप प्लस क्या होगा EC sin 45 j कैप और यहाँ से नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा कहाँ C पे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो ये क्या हो जाएगा जी लैम्डा अपॉन आर क्या हो जाएगा आई के प्लस क्या हो जाएगा बच्चे। कभी कभी ऐसे ये पूछा जा सकता है, समझ में आया ना, दिस इज क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू क्या होगा की नॉट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, एक पॉइंट ये हो गया दूसरा, तो रिजल्ट क्या है यही है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू की नॉट है सेंटर एक्स का रेडियस क्या है, तो पहले एलओएस देखो यार, एलओएस नहीं होगा, दिस इज एलओएस। तो बाय मिस्टेक से मिस्टेक में मिस्टेक जब हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड किधर हो जाएगा एलओएस के अलावा हो जाएगा। यहां अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इक्वल टू पाई सही है। तो तुम ध्यान देना ये साइन, अब यदि इसको मैं वाई एक्सिस मान लूं इसको एक्स एक्सिस मान लूं तो मैं बोल सकता हूं E C X के भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे E C equal to E C Y equal to क्या देखोगे 2 G lambda upon R sine of I by क्या हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2 G lambda R, ठीक है। और कुछ ही अगर एक क्वेश्चन था इसमें कि सर इस केस में अगर सेंटर में कोई मास रख दिया जाए तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, शायद तो सी अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। क्या करना है, जिस पॉइंट पे कहीं भी मास रखा हुआ है और उस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है तो सबसे पहले आप उस पॉइंट पे फील्ड लिखो। तो सेंटर पे यदि कोई मास रखा हुआ है, मान लो कि हमने यहाँ सेंटर पे एपरेंट मास रख दिया और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स पूछूं तो देखो mg इक्वल टू क्या होगा ec इनटू क्या हो जाएगा एपरेंट, इसी का वैल्यू बेटा मालूम है कितना हो जाएगा 2g λ/r इनटू क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस क्या हो सकता है बता दूं तो, ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट दूसरा कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है क्या, देखो इसको हटा देता हूं, ये r है this is c again इसमें लीनियर मास डेंसिटी क्या है लैम्डा बाय रॉड है की रॉड की रॉड, यहां देखो ये अल्फा कितना होगा, ये होगा तो अल्फा, यहां अल्फा इक्वल टू कितना लिखोगे 3 पाई बाय सी है और एलओएस क्या होगा, देखो ध्यान से एलओएस यही क्या हो जाएगा दिस इज एलओएस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जो सी पॉइंट पे होगा वो किधर होगा इधर ही होगा इसी पे,
को लिख दे यार AC इक्वल टू क्या होगा 2g लैम्डा अपॉन r sin ऑफ क्या लिखेंगे 3π/4 ठीक है। और इसको जब लिखोगे तो sin 3π/4 कितना होगा ये तुमको मालूम है ना कि कितना होगा ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा ठीक है। तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूं अगेन लिख देता हूं 2g लैम्डा यदि मैंने बोला कि नहीं इसको हमने y एक्सिस मान लिया और इसको x एक्सिस मान लिया तो यहां कंपोनेंट में लिख सकते हो देखो इधर ये का कितना हो जाएगा 45 डिग्री सीधे समीकरण कर सकते हो कंपोनेंट में। अब यदि कंप्लीट सर्कल होता तो देखो ये फार्मूला से ही हमें सारे इधर लिख दिया ठीक है। तो उसके बाद देखो कि इसमें चौथा पॉइंट है वो क्या है यदि सर्कल के रूप में बेंड हो और बाई सिमेट्री से बोल सकते हैं एसी है अगर लीनियर मार्जिन की क्या है लैम्डा है थिन रॉड यहां क्या है थिन रॉड जो है वो कंप्लीट सर्कल में क्या है कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहा है यानी सर्कल के रूप में क्या हो गया है बेंड हो गया है। तो यहां आपसे कोई पूछेगा कि क्या अगर ये क्या है थिन ठीक है। तो इस केस में आपसे यदि कोई पूछे फिर बताओ सी पॉइंट पे तो देखो यहां से अल्फा इक्वल टू कितना होगा बेटा 2 पाई ठीक है। तो ई सी इक्वल टू क्या होगा 2 जी लैम्डा और साइन ऑफ 2 पाई का क्या होगा 2 और ये क्या हो जाएगा बाई सिमेट्री होगा फिर जो हो गया वो क्या हो गया 0 होगा। यहां आप कोई भी मास रख दो इसकी भी जरूरत नहीं है तुम यहां से देखो इधर मास कंसीडर कर लो सिमेट्रिकली अपोजिट का सीधा तो इसके द्वारा जितना फिट होगा इधर ना ही इधर ना तो कैंसिल होता जाएगा तो आइसोमेट्री यहां भी ग्रेविटेशनल फिट क्या हो गया 0। अब एक नंबर देता हूं उसको ट्राई कर लेना अभी तक हमने जो कांसेप्ट पढ़ा उससे बेस्ड ठीक है। कांसेप्ट है क्या ये कि अब हम कुछ ऐसे कर रहे हैं इसमें वे फाइंड होमवर्क है थोड़ा टफ कर रहा हूँ फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड ईजी मैं लिख रहा हूँ ईजी एट सी एट सोन इन द फिगर सोन इन द फिगर ठीक है। देखो यहाँ ये समझ में आया आपको समझ में आ गया इधर भी इनफाइनाइटली है ठीक है। इस पॉइंट पे रेडियस आ रहा है ये भी रेडियस आ रहा है ये समझ में आया देखो लीनियर मास डेंसिटी क्या मान लो लैम्डा मान लो सबका लैम्डा ही मान लो ठीक है। सी पॉइंट पे क्या कर रहा है देखो ध्यान से एक सेमी इनफाइनाइट रॉड ये सेमी इनफाइनाइट रॉड और ये क्या होगा सर्कल आर तीनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या करना है समझ में आया बेटा ये क्या है होमवर्क है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसको ट्राई करना नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है रिंग के लिए उसको भी हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से ग्रेविटेशनल फील्ड due to uniformly mass distributed free at any point on its axis ठीक है क्या है एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करना है ग्रेविटेशनल फील्ड अभी हमने सेंटर में मैंने कैलकुलेट किया था और अभी हम क्या करेंगे एक्सिस पे यदि सर्कुलर रिंग है तो उसके एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और रिंग कैसा है उसका जो मास है क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी लीनियर मास डेंसिटी क्या है कांस्टेंट है ठीक है। तो देखो यहां से ध्यान से यही क्या है रिंग है और इसके मास क्या है
यही क्या है, दिस इज एक्सिस ऑफ रिंग और इसका जो रेडियस है वो क्या है। यहाँ भी थोड़ा हम क्या करेंगे, सिमेट्री यूज करें। देखो ध्यान से, इस पॉइंट में मान लो कि कोई पॉइंट भी है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है। अब डायमेट्रिकली ऑपोजिट हम क्या करते हैं, सिचुएशन कंसीडर, ठीक है। जैसे देखो एक पीएम मास यहां पर से रखा है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट कंसीडर करते हैं, समझ में आ गया। जैसे देखो इधर से हम लगा दिया ये भी है और ये इसका एक्सिस, समझ में आ गया। तो जो एलिमेंट मैं यहां मान रहा हूं वही एलिमेंट यहां है। अब देखो ध्यान से, इसके द्वारा फील्ड किधर होगा, इधर होगा। सिमिलरली इसके द्वारा फील्ड किधर होगा, इधर होगा। ये दोनों का डायरेक्टर किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह देखो, यहां ध्यान से देखो, ऐसे सोचो ध्यान से, ये मतलब तरीका है। तो इधर जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डी ई, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इधर भी जो फील्ड होगा उसका भी परपेंडिकुलर क्या होगा, डी ई होगा। तो ये एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, dE sin थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, dE sin थीटा। देखो तो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि ये और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्या। तो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि जो फील्ड जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, एक्सिस के अलोंग होगा और टुवर्ड द क्या होगा, सेंटर, ठीक है। ये हम यहां से बोल सकते हैं आसानी से कि बाई सिमेट्री, ये लिखे ना बाई सिमेट्री ने फील्ड एट पॉइंट पी विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग and directed along and directed towards the center, actually towards the क्या होगा, center, समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट नहीं इसको, यदि मैं पी पॉइंट लिखूं, देखो मैं ये लिख सकता हूँ कि डी ई इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ डी ई cos theta, ठीक है। और यहाँ मैंने ई पी यदि मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन डी का वैल्यू, तो लिख सकते हो। देखो ये एक्स है, ये क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है, डी ई, इसका मास कितना दिया हुआ है, डी एम ई से, ठीक है। तो डी ई इक्वल टू क्या होगा, डी एम अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू तुम लिख सकते हो, x अपॉन क्या होगा, r स्क्वायर प्लस क्या होगा, x स्क्वायर के पावर में। देखो ये सब कांस्टेंट है, x का भी चेंज होने वाला नहीं है, r चेंज होने वाला नहीं है, इसमें से हम कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। देखो यहाँ से, सॉरी यहाँ चीज छूट गया, हम लिख सकते हैं g, ठीक है, x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है, इंटीग्रेशन dx। और डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल मास ऑन द रिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड रिंग के द्वारा मालूम चल गया किसी पॉइंट पे क्या। तो देखो कितना मिला, ई पी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर इक्वल टू। और ये फील्ड जो होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या करना है यार, अब कुछ केसेस हम कंसीडर कर लेते हैं। देखो यदि मैं मान लूं कि इफ मोड में यहाँ इफ एक्स इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा आर, देन यानी सकते हो एक्स अपॉन आर द होल स्क्वायर विल बी नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम
ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा नियरली, इसका मतलब क्या है कि एक्सिस से बहुत ही फार अवे पॉइंट के लिए, फार अवे या एक्सिस से फार अवे पॉइंट के लिए, ये किसका फॉर्मूला हुआ है समझ में आया, ये तो एक पर बुला हुआ है कि एम के द्वारा एच डिस्टेंस, एम कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या एम है, उस पार्टिकल से एक्स डिस्टेंस में हमने क्या किया है ग्रेविटेशनल फील्ड का। ये याद रखना है यदि रिंग से बहुत ही दूर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के लिए रिंग विल बी हैव लाइक ए पॉइंट ऑफ पॉइंट मास विच इज टोटली कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, समझ में आया, उसके सेंटर पे हम क्या मानेंगे उसको कॉन्सेंट्रेटेड मास, तब जिसे इधर इधर डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो, ये रिंग है इससे कोई पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस क्या है एक्स है, ठीक है यहाँ पे भी लिखना है इसका रेडियस क्या दिया होगा आर दिया होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ये सी है इसके मास क्या है, यदि क्या है एक्स इज मच मच ग्रेटर देन आर है तो आप इसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, ये मेरा मान ठीक है, ए समझ में आया क्या, हम उसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है ये देख लो, लेकिन मैं मैगनीट्यूड लिख रहा हूँ मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ध्यान रखना। दूसरा हम लिख लें कि इफ क्या होगा, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा एक्स, देन हम ये लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि आर अपॉन क्या होगा एक्स होल स्क्वायर नियरली विल बी इक्वल टू क्या होगा जी, इस सिचुएशन में देखो ई वी इज इक्वल टू क्या होगा जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यूब इन टू क्या हो जाएगा एक्स, समझ में आया क्या क्या होगा ये समझना है। देखो ध्यान से यहाँ एक पॉइंट और ध्यान देना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा सेंटर पे जीरो है, देखो यहाँ से एक्स जीरो कर दो या एक्स जीरो कर दो तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है जीरो है, एक्स इन्फिनिटी भी करोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले फील्ड क्या हो रहा है बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है और फिर क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस में आई मीन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी विल बी क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी विल बी मैक्सिमम, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है एक पॉइंट ए हुआ यहाँ ये मालूम चल गया कि एट क्या होगा एक्स इक्वल टू जीरो, और ये भी रखना है कि एक्स जब क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है प्लस माइनस इन्फिनिटी हम एक ही ग्राफ देखेंगे, ठीक है तो उस सिचुएशन में ई पी जो है क्या है ई पी जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है पहले बढ़ रहा है फिर मैक्सिमम हो रहा है फिर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ग्रेविटेशनल फील्ड पहले क्या हो रहा है बढ़ रहा है फिर मैक्सिमम हो रहा है फिर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बाई मिस्टेक से कहीं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ तो ग्रेविटेशनली कंसिडर करना तुमको, ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड किस डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगा, उसको हम लिख भी सकते हैं लेकिन थोड़ा मैं बता देता हूँ कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है तो देखो यहाँ फिर अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ और फिर इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन से बहुत अच्छा कोशिश किया, यहाँ हमने ई पी इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन थ्री बाई टू, अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड ये तो कॉन्स्टेंट है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम और मिनिमम किस पर डिपेंड कर रहा है ये वाले पर, तो इसी को हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ हो रहा है, जहाँ ये मैक्सिमम होगा वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड का मैक्सिमम होगा, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये समझ का वाई इक्वल टू समझने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, ठीक है अब इसको ही मुझे क्या करना है मैक्सिमम मिनिमम वाई को मैक्सिमम मिनिमम, तो हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, ये तो आपको मालूम है तो यहाँ यू इंटू वी रूल, देखो यहाँ से यू अपॉन वी रूल मैं यूज करूँ, ठीक है ये क्या होता है ये लिख देता हूँ वी इंटू क्या हो जाएगा वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है होता है यू बाई डी यू मैंने बनाया है, ठीक है अब यहाँ वैल्यू रख दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स
एक्स ऊपर टू क्या होगा, डी का डी के जगह रखोगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू डी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस क्या हो जाएगा एक्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू और अपॉन डी स्क्वायर रहने देता हूँ क्योंकि उसकी यार इसको भी स्क्वायर कर दो देख कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर ठीक है अब कुछ नहीं है उसके बाद तो अब यहाँ ये अंडरस्टूड है कि पहले फील्ड क्या होगा बढ़ेगा मैक्सिमम होगा कम होगा तो मुझे साइन चेक करने की जरूरत नहीं है अंडरस्टूड है कि जहाँ ए डी वाई डी एक्स जीरो हो जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा ये फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा ठीक है तो यहाँ से देखो हमने लिख दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू माइनस यहाँ देखो थ्री बाई टू एक्स इंटू पावर फॉर्मूला पहले एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा ए वन बाई टू इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर समझ में आया डिवाइडेड बाई हमने क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ जब आप लिखोगे तो सिंप्लीफाई करो देखो इसको हम कॉमन ले सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर वन बाई टू इंटू ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू एक्स इंटू एक्स ठीक है डिवाइडेड बाई ये लिख डालो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है इसकी जरूरत भी नहीं है देखो ये कैंसिल हो गया यहाँ से ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता है इसको सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसी चीज़ें रखने देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा चलो सॉल्व भी कर लेते हैं आई मीन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर का जो है फाइव बाई टू इन टू ये लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस क्या टू एक्स स्क्वायर समझ में आया आप देखो ए डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहाँ होगा बता सकते हो अब तो तुमको मालूम चल गया कि ए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जीरो कहाँ होगा समझ में आया तुम क्या लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फॉर वाई टू डी क्या होगा डी मैक्स क्या होगा डी वाई और क्या होगा डी एक्स डी डी जीरो और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर का क्या होगा तो ये ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब ये डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू पे क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा समझ में आया ना क्या होगा मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम कितना होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ वैल्यू रख दो ठीक है ये बात समझ में आया तो कहाँ ई मैक्स होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं ई ई मैक्स मैक्स इक्वल क्या होगा देखो जी एम अपॉन आर बाई टू ठीक है प्लस माइनस मैं नहीं लिख रहा हूँ ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर स्क्वायर सही है ये पावर थ्री बाई टू एड कहाँ ये याद रखना है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई क्या होगा ये रट जाना था ठीक है तो यहाँ से देखो ये कितना होगा जी एम अपॉन क्या लिखे हैं जी एम अपॉन टू आर स्क्वायर इन टू ये क्या लिख सकते हैं देखो थ्री बाई टू ये पावर थ्री बाई ठीक है इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा आई मीन थ्री रूट गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ क्या थ्री रूट टू और ये क्या होगा तो ऐसे जी एम अपॉन क्या होगा रूट टू आर स्क्वायर इंटू थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू रूट टू ये कैंसिल हो गया शायद देख लेना कैलकुलेशन के मिस्टेक होगा तो थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा कैलकुलेशन देख लेना ठीक है मैंने एक ही वैल्यू लिया अब थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर ले यार तो अच्छा लगेगा ना तो देखने में देखो ये याद रखना है ना कि री के एक्सिस पे का ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर थ्री बाई टू इंटू एक्स और कोई पूछे कि मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होगा
x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू। अब देखो कुछ ऐसे ग्राफ, यहाँ जो लीनियरली क्या होता है, यहाँ स्ट्रेट लाइन होता है यार, या अभी हमने देखा था ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू प्लस r बाय टू और दिस क्यूब क्या होगा x इक्वल टू माइनस r बाय टू और दिस इज क्या होगा यहाँ मैंने लिखा कि x e max ठीक है कितना आया ये मैंने बता दिया e max ठीक है ये याद रखना है। नियरली क्या होगा यहाँ ये जो लाइन होता है नियरली तब मैंने ड्रीम आउट किया है ये नियरली क्या होता है एक्स बहुत छोटा होगा स्टेटमेंट अरे ये मैं देखना था ठीक है समझ में आया तो ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक्स की ग्राफ इम्पॉर्टेंट है समझ में आया देखो ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है उसको थोड़ा ट्राई कर लेना तुम लोग कहीं भी फील्ड फोर्स लिखना है तो क्या करना है फोर्स हमको कैसे लिखना है ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू क्या लिखना है मास। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से तो मैं बताता हूँ ठीक है समझ में आया तो एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा ए एक्सिस पे उसको हमने कैलकुलेट कर लिया और पॉइंट एक बता देता हूँ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है देखो ये रिंग है मैं क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ ये एक्सिस है होमवर्क दे रहा हूँ तो बहुत ट्राई कर रहा रिंग का मास क्या है मैं इस पर इसका रेडियस क्या है यही क्या है सेंटर है यहाँ कोई यह मास का आप चेक कर सकते हैं ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूँ कि एम पे कितना फोर्स लग रहा है तो आपका आंसर क्या होगा जीरो समझ में आया देखो यहाँ ई यही पॉइंट पी लिख देता हूँ देखो ई पॉइंट पे अभी हमने देखा था यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा यार ई जी एक्स इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर फोर एक्स जीरो तो फील्ड जीरो इसलिए ठीक है तभी सेंटर पे क्या है फील्ड जीरो है इस एम पे क्या है फोर जीरो है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है इक्विलिब्रियम ठीक है समझ में आया था क्या हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैं ऐसे चल रहा क्वेश्चन कि इन द सोन फिगर सब कुछ मैंने लिख दिया है ये जरूरी नहीं है ये मैंने लिखा मुझे समझने के लिए बताया इन द सोन फिगर एक द स्मॉल एम इज स्पेस स्लाइटली अलोंग द क्या होगा या ए लिखो ए लिखना है क्वेश्चन सुन लो इफ द क्या होगा इन द सोन फिगर इफ द स्मॉल एम इज स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस देन डिस्कस अबाउट इट्स मोशन आई मीन आपको बताना है कि मोशन का नेचर क्या होगा सिंपल हार्मोनिक होगा ऑसिलेट ये याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं भी पढ़े मैंने लिखा है एक्सिस पे क्या होगा टुवर्ड्स क्या होगा सेंटर ठीक है ये उस ध्यान देना है तुम लोगों को और इसको समझ क्या लिख देता हूँ इन द सोन फिगर रिंग क्या है फिक्स है नहीं तो भी फिक्स्ड नहीं तो बोलोगे सर रिंग में दौड़ रहा है क्या था? तो ऐसा नहीं इन द सोन फिगर इफ इफ एम इज डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड along its axis then discuss about its motion I mean whether the motion will be simple harmonic or oscillatory and etc ठीक है तो ये तुमको क्या करना है उम्र क्या है देखो आज उम्र ये तीनों जो क्वेश्चन दिया हूँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ट्राई करना है ठीक है समझ में आया और कुछ नहीं है फील्ड लिख लेना यहाँ से इसको डिस्प्लेस करना एक्स डिस्टेंस पे फील्ड लिखना फोर्स कैसे लिखोगे ये मैं बता देता हूँ देखो एफ जी
इज इक्वल टू क्या होगा एम इंटू ई टी। ठीक है, समझ में आया ना, ये फोर्स लिख लेना और देखना कि फोर्स पहले डिस्प्लेस करके देखो कि ऑब्जेक्ट जो है बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है क्या इस मीन पोजिशन के अबाउट में। यदि बैक एंड फोर्थ मूव करता है तो हम उसके मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन। बैक एंड फोर्थ यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मीन पोजिशन के अबाउट तो हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। फिर देखना कि स्मॉल एक्स होगा तो ऑलरेडी हमने अभी केसेस डिस्कस किया है तो वहाँ फोर्स लिनियरली तो वैरी नहीं कर रहा है तो SHM भी हो सकता है। SHM होगा तो आपको क्या करना है इसमें टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है। अब हम क्या देखेंगे, अगला जो टाइप है वहाँ देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप क्या है देखो, टाइप टू ग्रेविटेशनल यहां मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास डिस्क। ठीक है, ये आपको इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, देखो यही क्या है, ठीक है, देखो मैं ये बता रहा हूँ कि हमने क्या मान लिया, एक डिस्क है, ये डिस्क है, इसके मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके मास कितना है, एम है, हम मान लेते हैं। ठीक है, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ से हमको क्या करना है, इसका रेडियस जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस में एक्सिस पे क्यू क्या है, पॉइंट पॉइंट है, सुफी है। तो हम कैसे, अब क्या करेंगे हम इसके फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, देखो यहाँ एक और डाल भी लेते हैं, यहाँ हमसे कोई पूछे कि सीमा क्या होगा, एम अपॉन क्या हो जाएगा, पानी सॉरी होता है ना, देखो देखो सीमा इक्वल टू मास अपॉन एरिया, ताकि हम इसकी जरूरत। ठीक है, तो अब हम ये भी पॉइंट लिख रहे हैं, ये वाला जो एंगल है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्टेक्स एंगल, ये एंगल कितना है, थीटा है। अब क्या करेंगे कि फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम दस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो हम क्या करते थे, आर डिस्टेंस पे एक डीआर रिंग का हम डिफरेंशियल रिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ फील्ड कैलकुलेट करने आने को, यहाँ हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहाँ से ये वाला क्या है, स्मॉल आर है, अगर मैं डायग्राम एक रिंग कंसीडर किया, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल, इसके द्वारा इधर मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, देखो हमने क्या किया, थोड़ा मैं बड़ा दिखा देता हूँ, ये आपको समझ में आया, ये रिंग है, डिफरेंशियल रिंग है, समझ में आया, आई मीन इसका रेडियस जो है क्या है, रेडियस स्मॉल आर है, और इसका जो थिकनेस दिया हुआ है वो कितना है, डी है। ठीक है, इसके द्वारा हम पी पॉइंट पे आसानी से फिर ले सकते हैं, ये तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था, तुम बताओ इसका मास यदि मैं डी ए मान लूँ, इस रिंग का तभी हमने फिर पढ़ा था, तो डी ई एट डी कितना होगा, बता सकते हो जी डी एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रिजल्ट याद करो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर क्या होता है, अभी बताया था, यही था ना, देखो देखना, अब मुझे डी एम चाहिए, इसका एरिया बता सकते हो, इसको जब खोलोगे देखो ओपन करो तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इसे ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टू पाई आर, ठीक है, और ये विड्थ कितना हो गया, तो डी एम शायद हम देख सकते हैं, डी एम इक्वल टू क्या होगा, बताओ सीमा इंटू डी ए, सीमा इंटू डी ए लिख सकते हो कितना, टू पाई आर, सही है, और वैल्यू रख दो तो देखो आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है, अब यहाँ वैल्यू रख दो, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, देखो टू पाई, ठीक है, जी इंटू सिग्मा इंटू आर डी आर अपॉन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, कोई डाउट नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो देखो कुछ नहीं कर रहा है, आर का जो लिमिट होगा वो क्या होगा, जीरो टू क्या होगा, चलो इंटीग्रेट कर देता हूँ, डी ई बी इज इक्वल टू पहले कॉन्स्टेंट फॉर्म बाहर लिख दें, टू पाई सीमा सीमा जी इंटू क्या लिखोगे, आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अब देखो यदि मैं मान लूँ यहाँ आर का वैल्यू का लोअर लिमिट, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रह गया,
इसका डिफरेंशिएशन होता है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पावर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पॉलीनोमियल्स में पाई सिग्मा जी 0 टू आर, ठीक है, टू आर डी आर, इनको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर माइनस 3/2। देखो इसका डिफरेंशिएशन, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट पावर फॉर्मूला यूज कर सकते थे। इसका पावर फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हो, ये तो मालूम है, पाई सिग्मा जी इनटू, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ पावर वन ऐड करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 0 टू आर, और इधर मैंने लिख दिया माइनस 2, सही है। देखो यहाँ से ई पी इक्वल टू माइनस 2 पाई सिग्मा जी इनटू, इसको डायरेक्ट भी याद कर जाना था, ठीक है, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, आर स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1/x, और सिंप्लीफाई करोगे तो ई पी इक्वल टू क्या होगा 2 पाई जी सिग्मा इनटू, ठीक है, हमने x यहाँ छोड़ दिया था, ठीक है, x छोड़ दिया था इसलिए x इधर नहीं आया, x इधर आ रहा है, x हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था तो इसलिए रॉन्ग आंसर आ गया था। इसको जब लिखोगे तो देखो आएगा 1 माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। नितिन कितना टाइम हो गया, हो गया 2 मिनट, ठीक है, तो देखो यहाँ से अब इस रिजल्ट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, इसको थोड़ा आसानी से हम कैसे याद कर सकते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ई पी इक्वल टू क्या होगा 2 पाई सिग्मा जी इनटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस का जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिस्क हमने क्या माना था, देखो डिस्क कैसे माना था, ये इसका एक्सिस है, ये वाला देखना सिलिमेटिकल एंगल हमने क्या माना था, देखो ये वाला थीटा माना था, ये रेडियस क्या हो गया आर हो गया, ठीक है, इससे सेंटर से डिस्टेंस क्या है एक्स दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बताना, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन क्या होगा एक्स अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ तुम क्या लिख सकते हो, यही याद रखना, इसको यूज करके 2 पाई सिग्मा जी इनटू 1 माइनस क्या होगा कॉस थीटा, ये थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास डिस्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस क्या होगा, अगर 2 पाई सिग्मा जी इनटू का जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ भी कुछ कुछ पॉइंट तुमको मिलेगा जो जरूरी भी है, ये याद रखना है, क्योंकि जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो इसी को यूज करके लिखेंगे, ठीक है। तो एक मैंने क्या बोला, जो पॉइंट मैं बोलता हूँ जो फॉर्मूला तुमको क्या करना है याद करना है, उसको फॉर्मूला नोट बनाओ और उसको डेली देखते हो। अब यहाँ से कई केसेस भी हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है देखो, तो यहाँ से मैं लिख दूँ कि क्या होगा, इफ एक्स टेंड्स टू, यदि एक्स को मैं जीरो करूँ, देखो तो एक्स जीरो कर दूँ तो क्या होगा, नोट में लिखो ये पॉइंट क्लियरली करता हूँ, इफ एक्स इज जीरो देन क्या होगा बता सकते हो, ई पी इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा इनटू जी, समझ में आया क्या, ठीक है, आई मीन जीरो फील्ड नहीं होगा एक्स डिस्क के सेंटर पे, ये याद रखना है, हेंस क्या होगा एट द क्या होगा सेंटर, सेंटर ऑफ डिस्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ध्यान देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे इफ एक्स इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा आर, ठीक है, देन देखो देन क्या होगा ई पी बी क्या हो जाएगा 2 पाई सिग्मा जी
इंटू क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। अरे बात समझ में आया, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक कभी कभी भी पूछा जा सकता है, अभी इसमें क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि कुछ पार्ट को हम क्या करें डिस्क, कुछ पार्ट को हम क्या करें पर्टिकुलर के बता, तो रिमूवल पार्ट है उसको हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा केस एक और बनेगा जो ध्यान देना कोई इम्पोर्टेंट है, कभी कभी तुमसे पूछा जाए, देखो इसको हम ऐसे ही देखते हैं, इसको एकदम रट जाना है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ कि एक्स इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा आर, देन याद रखना है कि एक्स अपॉन आर द होल स्क्वायर रूट का अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कि ई पी इज इक्वल टू क्या होगा टू बाई सिग्मा जी इन टू वन माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा वन माइनस, हम ये लिख सकते हैं कि बड़ा डर कर दी इसको रहने दे, सिचुएशन में अच्छा चेंज करते हैं, ये लिख सकते हैं कि वन माइनस क्या लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इन आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, ये समझ में आया है, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इसको भी कभी कभी पाई सिग्मा जी, ये ऑप्शन के अनुसार हम जाते हैं, समझ में आया, जैसे ऑप्शन ये होगा उसको इसको तुम ओपन करो तो ये कितना लगेगा, देखो डायरेक्ट कर लेते आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, यहाँ तो ध्यान देना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिखता है कि फॉर एनी पॉइंट देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये क्या मिला था बहुत अच्छा निकल गया, ठीक है, ये कितना होगा एक्स, ये देखो सिग्मा पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जी एम और क्या होगा, समझ में आया क्या, फॉर फार अवे पॉइंट डिस्क आल्सो बिहेव लाइक कि क्या होगा पॉइंट मास व्हिच इज सिचुएटेड एट, ये देख रहे हैं पॉइंट मास का मतलब क्या होगा, फॉर वेरी फार अवे पॉइंट दिस विल बिहेव लाइक ए पॉइंट मास व्हिच इज सिचुएटेड एट इट्स, ठीक है। अब आर यदि इंफिनिटी हो जाए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ थर्ड जो पॉइंट है ये लिखे ना कि आर इज टेंस टू क्या हो जाए इन्फिनिटी, तो ई पी इज इक्वल टू क्या होगा टू पाई सिग्मा जी और दिस विल बिहेव लाइक ए इनफाइनाइटली मास शीट, ठीक है, क्या होगा डिस्क बिहेव लाइक ए इनफाइनाइटली मास शीट, शीट समझ रहे हो, अभी इनफाइनाइटली प्लेन हम बोल सकते इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन हम बोल सकते इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन ऐसे लिख देते हैं प्लेन शीट, तो कोई पूछे देखो ये ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम ये तुमको समझ में आए, ये बहुत लार्ज क्या है शीट है और इसके द्वारा किसी पॉइंट पी पे फील्ड पूछा जाए ये फील्ड कितना होगा ये आंसर लिख सकते हो ई पी इज इक्वल टू टू पाई सिग्मा क्या होगा जी हो जाएगा और ये कॉन्स्टेंट होगा और एक इधर होगा टू ऑफ द डाउन सीट, ठीक है। तो बेटा आज के क्लास में इतना ही है ना, कल हम और भी थोड़ा पॉइंट्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू क्या होगा अर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कल मैं ट्राई करूँगा इसको खत्म कर आई मीन फिनिश करने के लिए इस पॉइंट को ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो जितने पॉइंट आपने डिस्कस किए हुए हैं तुमको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल अच्छे से नोटबुक पढ़ जाओ और जो पॉइंट में दिक्कत हो तुम आसानी से मुझे मुझसे पूछो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही बेटा, ओके, थैंक यू, अच्छे से लेक्चर देखो ऊपर बेट से नोट्स।